आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मैं कुछ करूं तो तुम्हें प्रॉब्लम, मैं कुछ ना करूं तो भी तुम्हें प्रॉब्लम। What do I do, damn it? मेरी हर चीज हर बात से तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। Why? Do you want me to leave? Leave? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम हमें फिर से छोड़कर जाना चाहते हो? ऐसा मैं नहीं, ऐसा तुम चाहती हो पन्ना। Sorry to say this, but लड़कियों को है ना सोचना चाहिए यार। पहले तो वो दोस्ती करती हैं, then they sleep around with their boyfriends. और फिर जब प्रेग्नेंट हो जाती है ना तो सडनली उनको शौक लगता है। अरे यार अय्याशी करने से पहले सोचना भी तो चाहिए था ना। अय्याशी मतलब क्या है तुम्हारा? हर लड़की अय्याशी करती है क्या? क्या जानते हो तुम दुनिया के बारे में? कौन किस मजबूरी से गुजरता है तुम्हें क्या पता? दुनिया में ऐसी भी मजबूर लड़कियां होती है जो हालात का शिकार होती है। मेरा तो कलेजा हिल गया था ये सोचकर कि खुशी हमसे दूर चली जाएगी। रजनी दीदी, सुहाना तो खुशी को काला करने के चक्कर में थी। क्या? ताकि उसके रियल पेरेंट्स इसे पहचान ना पाए। लड़की ना कुछ भी सोचती है। वैसे चाची जी, अगर वो सच में खुशी के असली माँ बाप होते तो? मुझे तो एक चीज समझ में ही नहीं आती है, एक बार अगर बेबी को अबैंडन कर दिया है तो फिर वो वापस क्यों चाहिए? मैं तो कहती हूँ ऐसा लॉ बन जाना चाहिए। माँ आप पापा से कह दीजिए कल ही कंज्यूमर कोर्ट में जाए और एप्लीकेशन डाल दे। क्या? क्या, 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 क्या कानून बनाने के लिए कंज्यूमर कोर्ट में एप्लीकेशन डाले? क्यों, वानी बनता लो। ओके, जहां भी बनता है लो वहां जाकर एप्लीकेशन डाल दे कि वंस द बेबी इज अबैंडन्ड यू हैव नो राइट। सुहाना एक मिनट, ऐसे नहीं होता है भाई। अब असल माँ बाप का हक तो नहीं छीन सकते ना। हाँ वो बात और है कि आपने गोद ले लिया तो। अरे रजनी, हमें ना जल्द से जल्द खुशी को ना कानूनी तौर पे गोद ले लेना चाहिए, है ना? हाँ छोटी मामी, मामा जी से कहिए ना वकील से बात करें, कहीं कोई फिर इसकी तलाश में आ गया तो। खुशी कहीं नहीं जाएगी, खुशी हमारे पास रहेगी, खुशी हमारी है। सुहाना, अगर खुशी के माँ बाप आएंगे तो वो पुलिस के साथ ही आएंगे ना, और कानूनन हमें खुशी को लौटाना ही पड़ेगा। नो वे। क्या नो वे? तो क्या करोगी तुम? मैं खुशी को लेके भाग जाऊंगी। क्या? क्या मैं खुशी को लेके इतनी दूर चली जाऊंगी कि वो लोग खुशी को मुझसे छीन ही नहीं पाएंगे। अच्छा, वापस ही नहीं आऊंगी तो मैं क्या करूंगी इसके बगैर? खुशी मेरी बेटी है, समझी? या तो हम दोनों साथ में भाग जाएंगे ना, आप मैं और खुशी। हाँ? भाग जाएंगे है ना? अरे पन्ना, तुम तैयार हो गई? कम सिट, मैंने तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट बना लिया। क्या हुआ? सिट, ठंडा हो जाएगा। पन्ना वो टोस्ट तो ठीक है पर एग मेरा हाफ फ्राई टूट गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं फ्रैंक पैन से निकालूं कैसे। आज रिस्क ले लो, कल अच्छा बनाऊंगा, आई प्रॉमिस। ये सब तुमने क्यों बनाया? मॉम बाहर गई हुई थी ना, तो मैं तो घर पर ही थी ना। पन्ना तुम स्कूल के लिए रेडी हो रही थी ना,
तो मैंने सोचा मैं बना लेता हूं। ओ, तो अब तुम मुझे स्कूल का ताना दे रहे हो। ताना मतलब? मतलब तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नाश्ता दिए भी नहीं चली जाती? ये सब शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी? शो ऑफ? पना मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था। पहले तुम एक हैंकी के लिए भी मुझे आवाज लगाते थे, अब तुम अपने कपड़े भी खुद ले लेते हो, सारा अपना काम भी खुद कर लेते हो। Is that bad? तो इसमें अच्छा क्या है? तुम मुझे क्या जताना चाहते हो रौनक, कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? पना तुम्हें हो क्या गया है? What do you want? मैं कुछ करूं तो तुम्हें प्रॉब्लम, मैं कुछ ना करूं तो भी तुम्हें प्रॉब्लम। What do I do, damn it? मेरी हर चीज, हर बात से तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। Why? Do you want me to leave? Leave? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम हमें फिर से छोड़कर जाना चाहते हो? ऐसा मैं नहीं, ऐसा तुम चाहती हो पन्ना। तुम्हें इस घर में मेरी प्रेजेंस खल रही है, तुम मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती हो। और मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं तुम्हारा ट्रस्ट जीत सकूं। I'm clueless, I have no idea. मैं माफी तुमसे मांग चुका हूं, एडजस्ट भी करना चाहता हूं और दोबारा कोशिश कर रहा हूं कि वापस सब कुछ फिर से एस्टैब्लिश कर सकूं। और तुम, मैं और क्या करूं बन्ना? आज तुमने मॉर्निंग लेक्चर मिस कर दिया? हाँ, वो लेट हो गया। लेट क्यों? दीदी को फोन करके शिकायत करूं तुम्हारी? भाभी जानती है, घर में पुलिस आई थी खुशी को लेने के लिए। व्हाट? तो बेबी को ले गए? नहीं, एक्चुअली रॉन्ग पेरेंट्स थे, वो लोग ने अपनी बेबी को कहीं छोड़ दिया और उसे ढूंढ रहे थे, तो पुलिस को लगा कि शायद खुशी उन्हीं की। ओह, तो फिर पुलिस ने उन्हें पकड़ा कि नहीं? जेल में बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, शूट कर देना चाहिए। It's really disgusting. कोई कैसे अपने बच्चे को ऐसे सड़क पे फेंक के चला जाता है? How inhuman can people be? अरे यार, तुम इस बात को क्यों इतनी सीरियसली ले रहे हो? ये बहुत ही कॉमन चीज है आजकल। Sorry to say this, but लड़कियों को है ना सोचना चाहिए यार। पहले तो वो दोस्ती करती हैं, then they sleep around with their boyfriends, और फिर जब प्रेग्नेंट हो जाती है ना तो सडनली उनको शौक लगता है। अरे यार, अय्याशी करने से पहले सोचना भी तो चाहिए था ना। अय्याशी मतलब क्या है तुम्हारा? हर लड़की अय्याशी करती है क्या? क्या जानते हो तुम दुनिया के बारे में? कौन किस मजबूरी से गुजरता है तुम्हें क्या पता? दुनिया में ऐसी भी मजबूर लड़कियां होती है जो हालात का शिकार होती है। दीपक रिलैक्स, रिलैक्स। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम कभी ऐसी औरत से मिली हो जो अनचाहे बच्चे को जन्म देने की तकलीफ से गुजरी हो और उसने उसे पालने की सजा भी भुगती हो? अरे यार, हम क्यों मिले ऐसी औरत से? हमें उसकी जिंदगी पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है क्या? ओह माय गॉड, बहुत हो गया। अरे यार, ये एंग्री यंग मैन क्यों हो जाता है बातों बातों पर यार? पता नहीं ये हर बात को इतनी सीरियसली क्यों लेता है। तुम लोग बस करोगे अब? जब देखो तब तुम दोनों उसके बात का मजाक बनाते रहते हो। अरे अब तुझे क्या हो गया? तुझे क्यों इतनी सिंपैथी हो रही है उसके लिए? वो संजू की दीदी का देवर है या तेरी दीदी का?
इसे क्या हो गया? ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।